मेरे जैसे अगर हमसे इस तरीके से बात कर सकती है, एक वकील से इस तरीके से बात कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं महिला थी। आप वकालत भी एक साइड अगर देखी जाए तो मैं सबसे पहली बात थी, एक महिला थी, आराम से बात कर सकते थे। जातिवाद का तो मतलब ही नहीं आता, जाति कोई भी जाति जा सकती है, वो तो सरकारी उस पर बैठे हैं, वो तो हमारे लिए ही बैठे हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो वो कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी नहीं जा सकती, महिला तो जाएगी ही नहीं। वो पहले ही यही तो होता है, आज तक यही होता आया, महिलाएं पहले ही जब देखती हैं कि थाने जाना है, कोर्ट जाना है, तो हमने जाना ही नहीं है, हमने केस ही नहीं करना, कितने यही सारी चीज़ें। साथियों नमस्कार, मैं हूँ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं संत आवाज टीवी। कल संत आवाज टीवी ने एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, जिसमें दिल्ली के अंदर दलित समाज के कुछ वकील साथियों के साथ पुलिस वालों ने बेरहमी से मारपिटाई की थी। उन्हीं में से सिमरन बेनवाल हैं, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके साथ भी कल उस जो मारपीट का किस्सा हुआ है वो भी उसमें थी। आइए जानते हैं सिमरन से, सिमरन क्या पूरा मामला था, क्यों आपको थाने में जाने की जरूरत पड़ी और ऐसा क्या क्या घटित, क्यों हुआ ऐसा घटना? मैं कहना चाहूँगी, थाने में जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं अपने पेरेंटल हाउस पे गई थी मम्मी से मिलने के लिए। तो मेरी मम्मा वहाँ नहीं थी, मेरी दीदी और जीजा जी थे। तो मैं वहाँ पहुँची तो उन लोगों का झगड़ा, मेरे जीजा जी आए और ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, उन लोगों का झगड़ा शुरू होता रहा। काफ़ी देर तक हम सुनते रहे क्योंकि डोमेस्टिक मामला है, हम लोग नहीं बोल सकते जी, पारिवारिक मामला था तो हम नहीं बोल सकते थे उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी झगड़े चलते रहे, उनमें आपसी बहुत सारे झगड़े होते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों में हाथापाई शुरू हो गई। फिर उन बीच में छोटे छोटे दो उनके बच्चे हैं, एक 14 साल की है, एक 9 साल का बेटा है। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पीटा वीटा गया, उन लोगों के बीच में भी बच्चे भी पिस रहे थे। तो फिर वो जो जीजा जी थे जो मेरे, वो मुझसे अपशब्द बोलने लगे, वो देखते ही बोलता ही है वो। हाँ, जब मैं बीच बचाव करने लगी तो फिर वो मुझसे गाली गलौज करने लगे, अपशब्द बोलने लगे, हो ही जाता है वो। तो चलो हमने फिर मैंने 112 पे कॉल कर दिया, तो PCR बुलाई के कौन है मैंने कहा। फिर मैंने बताया उनसे, सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा चल चलिए, जो PCR वैन पे थे, फिर PCR वैन से ही हम लोग वहाँ पे थाने पहुँचे, दाबड़ी थाने पहुँच के हम जब अनिल कुमार वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वेट करो आप। तो हम लोग बैठे हुए थे, फिर क्या आपके आईओ आ रहे हैं, तो हम लोग पहुँच गए थाने पहुँच बैठ के। तो हम काफ़ी देर तक हमें वहाँ पर बिठाया गया। तो इस बीच में जीजा जी ने जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उनकी क्या स्थिति थी? उनकी ये स्थिति थी कि वो तो साइड में हो चुके थे, क्योंकि थोड़ा सा होता ही है। तो वो वहाँ पे साइड में बैठ गए, मैं और दीदी बैठे हुए थे काफ़ी देर से, कि उन्होंने देखा कि अकेली महिलाएं हैं। तो मैंने जब तक ये बताया नहीं था कि मैं एडवोकेट हूँ। तो वहाँ पे जारी चीज़ें होने लगी, काफ़ी देर हमें बिठाए रखा क्योंकि सुनवाई भी नहीं हो रही थी, कि महिलाएं बैठी हैं, बैठे रहने दो। जब फिर मैं जाके उनको बोला कि कोई आया नहीं है, तो क्या आप अभी आ रहे हैं, रुक जाइए अभी आ रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँचे, फिर वो आईओ आए, अनिल कुमार जी, हमारे SI थे वो, केस के आईओ थे और ASI थे अनिल कुमार। तो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, दीदी के बारे में पूछा, सारी चीज़ें पूछी कि केस क्या था। मैंने कहा ऐसे डोमेस्टिक मामला है और आप कौन हैं? मैंने कहा मैं ही हूँ जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। कि अच्छा, तो आप कौन है? मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, इनकी सिस्टर हूँ छोटी, वो मेरी एल्डर सिस्टर हैं। तो मैंने उनसे बोला कि कह रहे अच्छा मैं एडवोकेट हूँ, कि कहाँ से हो, कौन जाती हो? मैंने हाँ जी, सीधा उन्होंने मुझसे यही पूछा कि कहाँ से हो, कौन जाती हो, कहाँ प्रैक्टिस करती हो, ये है वो है, मतलब कि इस तरीके से उन्होंने उनके बात थे। जब मैंने उनसे ये बताया कि मैं ऐसी समाज से हूँ, तो उनका बड़ा रूडली बिहेवियर मेरे साथ था। अच्छा, साइड में बैठ जाइए, बाद में बात करेंगे। मेरे को ये था कि क्यों हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है। मैंने एक नॉर्मली हस्बैंड के उससे, एडवोकेट की नहीं, हस्बैंड के उससे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, एडवोकेट बेनीवाल जी को। मैंने कहा आप आ जाइए, और ऐसे से मैं थाने में इन लोगों की वजह से हूँ और गुड़िया को भी मैंने छोड़ा हुआ, आप आ जाइए। इन्होंने कहा ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, आप तो ये बाहर ही थे। इन्होंने कहा कि चलो मैं आ जाता हूँ। तो वो पहली बात तो वो हमारी सुन ही नहीं रहे थे। जब वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वहाँ पे बैठ के तो सेटलमेंट करते हैं। अनिल कुमार जी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे, सारी चीज़ें ये थी, डिले कर रहे थे। हाँ जी, कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं बार बार हम लोग जाके बोल रहे हैं, जब हमारे जैसे एडवोकेट की, हम जैसे वकीलों की नहीं सुनी जाएगी, तो आम आदमी की क्या सुनी जाती होगी वहाँ पे, जब हमें वहाँ पे इतनी देर बैठा के रखा। ये वाक़या था 12 बजे करीब का, हम कम से कम 3 बजे तक वहाँ पे बैठे हैं, हमें बैठा के रखा। जब एडवोकेट बेनीवाल जी आए मेरे
हस्बैंड आए तो उनसे बात हुई, उन्होंने मैंने बताया, मैंने कहा ये भी हस्बैंड ये भी एडवोकेट है और असिस्टेंट भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उनको ये पता था कि जब मैं ही बता रही हूँ कि मैं ऐसी समाज से, तो वो उन्होंने उनसे भी यही हाँ इसी उससे फिर उन्होंने उससे उनसे पूछा कि आप कौन से जाती हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसी समाज से हूँ, तो क्या अच्छा ठीक है चलो बड़े पहले तो फिर उनसे इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हस्बैंड वाइफ का मामला है घरेलू हिंसा है चलो कोई बात नहीं आप सेटलमेंट करा दो। तो हमारे असिस्टेंट है अभिजीत जी, एडवोकेट अभिजीत हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि अभिजीत आप लेटर से सेटलमेंट करा दो इन दोनों की, तो वो इंग्लिश में लिखने लगे, तो कहते अरे ये इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, उन्होंने इस तरीके से बोला कि इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, इंग्लिश में लिखने का क्या मतलब है, हिंदी में लिखो हिंदी में, और तुम चमार हो तुम भंगी हो इस तरीके ये वर्ड्स थे। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने बहुत गाली गलौज की हमारे साथ, इनके साथ भी आने इन्होंने हस्बैंड जगदीश बेनीवाल जी ने बोला कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं भाई, हम जिस भाषा में हमें बिल्कुल जी हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि हम जिस भाषा में भी लिखें, तो क्या अच्छा तू ज़्यादा बोलेगा, ये है वो है बड़ा हीरो बन के आया है इस तरीके से, तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं है इस तरीके के कपड़े पहनने की, और वकील है तो क्या ज़्यादा चौधरी बन रहा है, और ये इस तरीके के वर्ड्स से इन्होंने जब बोलना शुरू किया, अरे आप बोल कैसे रहो, तो खड़े हो ही जाता है इंसान, जैसे खड़े हुए इतनी देर में तो उन लोगों ने मारपिटाई शुरू कर दी, जो अनिल कुमार थे एएसआई उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी, जगदीश जी के ऊपर तो हाथ उठा ही चुके थे, मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठा ही चुके थे, फिर हम तीनों को खींच लिया, अभिजीत जी अभिजीत पवार जो हैं वो बीच में आए बीच बचाव करने के लिए, हमें खींच के डीए रूम से हमें खींच के बाहर कॉरिडोर में ले गया गया, क्योंकि वहाँ उनको प्रूफ ना मिल पाए, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा थे, तो वहाँ से हमें खींच के बाहर ले गया गया ले जाया गया। जब हमें बाहर ले गए तो मुझे कम से कम 10 से 15 लोग होंगे जिन्होंने मुझे अकेली को घेर रखा था, इतनी बदतमीजियाँ हुई, मेरे प्राइवेट पार्ट पे हिट किया, मेरे ब्रेस्ट पे बैक पे और बहुत मतलब कि हिट हुआ, तो वो उन्होंने सबने पकड़ा हुआ था, फ़ोन करने का किसी को भी वुमेन हेल्पलाइन पे या किसी को भी हम बुला ही नहीं पाए थे, और एडवोकेट बेनीवाल जी का तो फ़ोन तोड़ दिया, फ़ोन फेंक के मारा फ्रश पर और चश्मा तोड़ दिया गया, इतना मारा है उनको, अभिजीत जी का गला दबा दिया गया, सीधा सीधा मर्डर केस अगर बनता है 307 का केस बनता है। इस मामले पर आपकी जो बार काउंसिल है उनसे चर्चा चल रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? जी बार काउंसिल तो साथ है ही हमारे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो साथ सभी साथ खड़े हैं, बार काउंसिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार की है कि हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं, और उसके बाद जब हम वहाँ से निकल के हमें बाकायदा वहाँ पे हमें हम ये नहीं कह सकते कि डिटेन कर लिया गया, डिटेन नहीं हुए थे, सीधा सीधा हमें किडनैप किया गया था, क्योंकि वहाँ से निकलने ही नहीं दिया जा। तो जाति पूछने का क्या समझ में नहीं आया, जाति क्यों पूछी उन्होंने, क्या मामला था, वो उस समय किस जाति से? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि उन्होंने जाति क्यों पूछी, या तो हो सकता है उन्होंने ऐसे ही आइडिया लगा लिया या कुछ भी था, उन्होंने मुझसे जाति पूछ ली, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम घर के ही उसमें थे, हम मैं ड्रेस में भी नहीं थी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, तो हम घर ही गए हुए थे, सिविल में थी, तो उन्होंने क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, फिर जब एडवोकेट जी आए इतनी फोर्स इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे और इतने लोगों ने मारा गया है, कम से कम 40-45 लोग थे उस टाइम पुलिस वाले थाने के जी। तो कहीं आपने इस और भी ध्यान दिया कि आप लगभग 200-250 दिन से डॉक्टर रितु के साथ प्रोटेस्ट पर हैं, वहाँ से आपके फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एज ए दलित एक्टिविस्ट एज ए दलित पत्रकार या एज ए दलित वकील के रूप में आप लोग वहाँ से प्रसिद्धि ले रहे हैं, तो उस एंगल पर आपने सोचा कभी कि क्या पता ये एंगल भी वहाँ तक पहुँचाऊँ? बिल्कुल पहुँचा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर रितु का पहला केस था हम के प्रोटेस्ट में थे, हम नांगल वाले प्रोटेस्ट में भी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर उसके नांगल वाले प्रोटेस्ट में गुड़िया का जो मामला था 9 साल की बेटी का, उसमें भी हम 13 दिन उपस्थित थे वहाँ पे, 13 दिन मैं भी मेरे एडवोकेट जब भी, और सबको ये पता था कि ये दलित समाज से हैं और ये इस तरीके से ये खड़े रहते हैं, और वहाँ पे भी पुलिस वालों के साथ कई बार झगड़ा भी हुआ है हम लोगों का, क्योंकि वो सुनते तो हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये राबिया का केस था जो संगम विहार से, यहाँ भी हम लोग लीड कर रहे थे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, ये हो सकता है कि फेस जानते हो इसलिए उन्होंने हमसे जाति पूछी गई है, नहीं तो जाति पूछने का तो खैर मतलब बनता ही नहीं है, वो तो उनके लिए तो ये है ना कि भाई कोई भी आ रहा है, चाहे वो छोटी जाति है, चाहे वो चमार है, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है या कोई भी है, उनको तो मतलब ही नहीं बनता है, वो क्यों पूछ रहे हैं हमसे जाति के बारे में, जाति तो उन लोगों को पूछने का मतलब ही नहीं था। तो साथियों एडवोकेट जी,
उन्होंने मुझसे इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं, इतने अपशब्द यूज़ किए वहाँ पे भी कि बयान नहीं कर सकते कि ये हो वो हो, मतलब कि बहुत सारा। तो साथियों, ये एडवोकेट सिमरन है, सिमरन बेनीवाल, आपने अक्सर इनकी वीडियोस को, इनको डॉक्टर रिट्टू के प्रोटेस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से देखा होगा। लगातार 240 दिन से ज़्यादा हो गए उस प्रोटेस्ट को और कंधे से कंधा मिलाकर रिट्टू के साथ खड़े हैं। कहाँ से इनका जो कह सकते हैं कि चरित्र, चेहरे का चरित्र, दलित होने का जो चरित्र है वो थाने में पहुंचता है और थाने के SHO इनके साथ, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पूरे ग्रुप को लगभग 40-50 पुलिस वालों ने इस तरीके से पीटा है जैसे कि कोई एक अपराधी को भी नहीं पीटता है। तो आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अगर दलित समाज के वकील सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए एक आम जनमानस का क्या हाल वर्तमान में श्री राम की सरकार में होने वाला है। लगातार पूरा देश प्रदर्शन कर रहा है, दलित प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वकीलों की भी बारी है। तो सोचिए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के लोगों की सरकारों को आप देश की गद्दी पर राज करने देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खासकर ये जो बेहद शर्मनाक जो खबर आई है, महिला वकील के साथ किस तरीके से बर्बरता से एक जो मेल पुलिसकर्मी है, खासकर थाने के SHO जिसको एक बड़ा पदवी माना जाता है, वो करते हैं, क्या इस पर कहना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे इस मामले को दबाया ना जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए जिससे कि जो शोषण करता है उनको सक्सेस मिले। जी, मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि वकील, अगर वकीलों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आम आदमी तो जाएगा ही नहीं आज के बाद। पहले तो ये होता था कि चलो हम थोड़ा बहुत भी, सब पहले से ही घर में बैठ जाते हैं। कितनी महिलाएं होती हैं कि नहीं, हम थाने नहीं जाएंगे, हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, हमसे गलत शब्द अपशब्द बोले जाएंगे। तो अब तो ये होगा कि वकील के साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे साथ क्या किया जाएगा, हम तो कहीं से भी सेफ नहीं हैं।